दोस्तों आज हम बात करेंगे कनाडा का वर्क परमिट को लेकर के, वर्क परमिट 2023। अगर आपका भी सपना हो कनाडा जाकर के काम करने का, कनाडा का वर्क परमिट लेने का, तो इसमें कौन एलिजिबल है, कैसे इसका प्रोसेस होता है, तमाम चीज़ों के बारे में आज विस्तार से जानेंगे। वैसे कनाडा में लीगली काम करने के लिए हर एक फॉरेनर को चाहिए वर्क परमिट। बिना वर्क परमिट का आप वहाँ पर जाके काम नहीं कर सकते, वो इलीगल माना जाता है। और इसमें बहुत डिफरेंट प्रकार के वर्क परमिट होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, आपका काम क्या है, और उस हिसाब से आपका वर्क परमिट जो है वो डिवाइड होता है। और अगर एक बार आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप अपने साथ में अपना स्पाउस यानी वाइफ को, अपने बच्चों को या आपका जो भी डिपेंडेंट है उनको लेकर जा सकते हैं दोस्तों, जो भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। और वहाँ जाने के बाद चाहे वो स्टडी करें या काम करें, वो डिपेंड करता है उनका उस टाइम का इंटरेस्ट या फिर अवेबिलिटी ऑफ वर्क परमिट कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन हाँ, वो आपके साथ में जा सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कनाडा वर्क वीज़ा प्रोसेस 2023 होता क्या है, कैसे होता है, वीज़ा बायोमेट्रिक या फीस इसका कितना होता है, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है, किस कितना प्रकार के वर्क परमिट होते हैं, और आप कैसे ये वर्क परमिट लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कनाडा के अंदर हों या कनाडा से बाहर हों। और लास्ट में हम जानेंगे कि आप अपना फैमिली मेम्बर को लेके जा सकते हैं या नहीं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहे विदेश में पढ़ाई हो या जॉब्स के लिए हो, मैं हर दिन लेके आता हूँ, तो आपके लिए बहुत काम आ सकता है। शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो कनाडा का दो टाइप का वर्क परमिट है दोस्तों, एक है क्लोज्ड वर्क परमिट और एक है ओपन वर्क परमिट। तो क्लोज वर्क परमिट क्या होता है, अगर आपको एक जगह जॉब मिल जाता है उसमें लिखा होगा स्पेसिफिक जॉब, कितना घंटे आप काम कर सकते हैं, आपको वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज मिल रहा है, आपका सैलरी पर आवर, पर मंथ, पर वीक कितना दे रहा है, तमाम चीज़ें दोस्तों आपका कॉन्ट्रैक्ट लेटर में मेंशन होना चाहिए। साथ ही साथ उसमें होना चाहिए आपका एकोमोडेशन कॉन्ट्रैक्ट या एकोमोडेशन लेटर, ठीक है। तो आप समझ गए, क्लोज वर्क परमिट में ये सारे चीज़ें दोस्तों मेंशन रहना चाहिए। ओपन वर्क परमिट उन लोगों के लिए है जो वहाँ पर ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कहीं पर जॉब किसी कंपनी ने प्रॉमिस कर दिया है लेकिन वो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, उनके लिए है। तीसरा, अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है लेकिन पीआर अभी तक मिला नहीं है, तो भी आप वहाँ पर ओपन वर्क परमिट के माध्यम से आप काम कर सकते हैं। और चौथा, अगर आप किसी डिपेंडेंट में गए हैं, ठीक है, और आपको वहाँ पर अब्यूज़ किया जा रहा है, मतलब आप रह नहीं पा रहे हैं साथ में, तो भी आप ओपन वर्क परमिट के तहत काम कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर एक बार आपको वर्क परमिट मिल जाता है, तो फिर से दोबारा बताना चाहूँगा कि आप अपना फैमिली को लेकर जा सकते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने परिवार के, जैसे कि आपका स्पाउस, बच्चे को लेके जा सकते हैं साथ में। वो डिपेंड करता है वो वहाँ क्या करेंगे, स्टडी करेंगे या काम करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन आप लेके जा सकते हैं। कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अगर किसी के पास वहाँ ऑलरेडी स्टडी वीज़ा, वैलिड स्टडी वीज़ा है, तो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी वीज़ा में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर गए हैं वर्क परमिट में और आपका स्पाउस साथ में है, ठीक है, या आपके बच्चे साथ में हैं, तो वो इस वर्क परमिट पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ पर कोई टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा में गया हुआ है जिसका वैलिडिटी 6 महीने का होता है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो वहाँ पर ट्रेड्स के लिए गए हैं, बिजनेस के लिए गए हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर जो ICT होल्डर हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें, अगर आप कनाडा के अंदर में नहीं हैं, आप आउट ऑफ कंट्री हैं, कनाडा में नहीं है, बाहर के लोग हैं आप, तो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्रूफ करना होगा कि आप उस देश के लिए खतरा नहीं है, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना होगा। दूसरा, आप मेडिकली फिट हैं, आपको ऐसे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए जो वहाँ जाकर स्प्रेड किसी को हो सके। तीसरा, वहाँ का अथॉरिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मांगता है आपको तुरंत ही प्रदान करना ही देना है, तभी जाके आप एलिजिबल होते हैं वहाँ का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए। अब अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आपको चले जाना है IRCC वेबसाइट पर, ठीक है। IRCC वेबसाइट पर जाने के बाद आपके पास होना चाहिए वैलिड स्टडी वीज़ा, ठीक है, या फिर आप PR के लिए अप्लाई किए हैं और वेट कर रहे हैं PR आने का, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आप ऑलरेडी वहाँ का वर्क परमिट होल्डर हैं लेकिन आपका स्पाउस, पेरेंट्स,
ठीक है, वहाँ का पीआर के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनको नहीं मिला है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। इसमें दोस्तों आपको जाके देखना है इंस्ट्रक्शंस गाइड में 553, इसमें सारे चीज़ें एक्सप्लेन किया गया है कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कनाडा के भीतर में है, कनाडा के अंदर में है। अब बात करें कनाडा के बाहर के लिए, तो कनाडा के बाहर के लिए भी दोस्तों आपको IRCC वेबसाइट के थ्रू अप्लाई करना है। इसमें भी जाके देख सकते हैं 5487 इंस्ट्रक्शंस गाइड में आपको क्लियरली मेंशन कर दिया है हर चीज, ठीक है, कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कनाडा से बाहर के हैं। अब बात करें भाई ये टोटल प्रोसेस करने के लिए कितना पैसा खर्चा होता है। अगर हम बात करें फीस की तो फीस लगता है $155। बात करें बायोमेट्रिक की तो बायोमेट्रिक 85 यानी $85 लगता है। और प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 30 दिन से लेकर के 6 महीने का समय लगता है। डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कितना कंप्लीशन है। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीटेड हैं और अप्लाई करते हैं तो विदिन 30 डेज आपको आपका वीज़ा मिल जाता है। हालांकि इंडिया में जानते ही आप सारे लोग दौड़ जाते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पहले नहीं कर पाते हैं। डॉक्यूमेंटेशन नहीं करने की वजह से समय ज़्यादा लग जाता है। तो पहले आप डॉक्यूमेंट कर लें जो भी कंट्री आप जाना चाहते हैं, उसके बाद अगर अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका समय जो है वो कम लगता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो दोस्तों कि कनाडा वर्क परमिट 2023 कैसे अप्लाई करना है, कौन इसमें एलिजिबल है, क्या प्रोसेस होता है, कितना खर्चा होता है और कितना दिन लगता है। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर पहले बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।